फ्रेंड्स वेलकम टू माय बर्ड फार्म हिडन हैप्पीनेस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिडन हैप्पीनेस। और फ्रेंड्स ये हमारे फ्रेंड का जो बर्ड सेटअप है उसका पार्ट थर्ड का वीडियो है। पार्ट वन में बताया था कि जितने भी लव बर्ड है उसका म्यूटेशन कैसे हमने किया है और कौन कौन से बच्चे निकले हैं म्यूटेशन के बाद। और उसके बाद में बताया कि जो फिंचर्स है काका टेल है उसका क्या ब्रीडिंग रिजल्ट है। और पार्ट थर्ड में हम आपको बताने वाले हैं कि जो ब्लैक कैप कलूर है उसका क्या ब्रीडिंग है। उसने ऑलरेडी एक बार तो ब्रीडिंग कर चुका है वो और अब जल्दी मेटिंग भी स्टार्ट कर रहा है। और दूसरा जो हमारा जो इनका फेवरेट है वो है अफ्रीकन ग्रे में भी जो ब्रीडिंग रिजल्ट रहेगा क्या है वो आपको बताते हैं। पर चलो सबसे पहले उसके बाद करते आपको कौन सा है बर्ड इनके पास। ये है ब्लैक कैप कलूर और कलूर का फेवरेट फूड है सभी फ्रेश फ्रूट कलूर खाता है और सनफ्लावर चीज। कलूर यहाँ आकर पहले बाहर ना करें और जिस ओनर के पास था उधर से ब्रीडिंग अच्छा नहीं मिल रहा। पर जब भैया के वहाँ आया तो उनने जब आया इधर और उसके एक महीने के अंदर ही तुरंत ही उसने ब्रीड कर दिया था क्योंकि उसको अच्छा डाइट मिला था और वापिस अच्छे सीजन पे आ गया और वो अच्छा मेटिंग भी कर रहा है और जल्दी उसका अंडा भी मिल जाएगा अपन को और उसके बाद में उसके बच्चे भी मिल जाएंगे। अब इसके ऊपर आ रहे जो हमारा अफ्रीकन ग्रे है वो सबसे पुरानी ब्रीड है हमारी अफ्रीकन ग्रे की वाली और इसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्रॉस भी हमें मिले हुए हैं। और वापस देखते हैं क्या है क्या नहीं। ये है हमारी अफ्रीकन की पैर, इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि ये भी शायद ब्रीडिंग के मोड में आ रही है और जल्दी भी इसका जो भी मेटिंग रहेगा या जो भी अंडे का रहेगा वो हम आपको बताएंगे। ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए क्योंकि जिसके वहाँ भी सेट हो जाता है वो बराबर से सेट हो जाता है। उसको एक बार डिस्टर्ब किया तो पूरा एक सीजन का गैप हो जाएगा, वो अंडा नहीं रहेगा या ब्रीडिंग के मोड में नहीं आएगा। जब तक उसको सेफ फील नहीं होगा वो ब्रीड नहीं करेगा, इसमें उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ब्रीडिंग के मोड में है। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ये जितने भी बर्ड्स हैं इनके वहाँ सभी अच्छे क्वालिटी में है और अच्छे हेल्थ में है। आपको कोई भी बर्ड चाहिए तो जो नंबर मैं नीचे दे रहा हूँ और आज अगर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो और वो बर्ड आप ले भी सकते हो। और जो आपको होम डिलीवरी चाहिए उसका ट्रांसपोर्टेशन अलग रहेगा। मेजर सिटीज गुजरात के अंदर अवेलेबल है और दाहोद के अंदर भी अवेलेबल मिल जाएगा आपको। और फ्रेंड्स देख लीजिए पूरा फार्म कैसा है और कुछ भी बर्ड्स के रिलेटेड टिप्स चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि ये बर्ड्स लेने हो आपको तो आप हमें भी डायरेक्ट कॉल या मैसेज कर सकते हो। तुम दे जाओ पहले नहीं उससे करते